हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। आज वट सावित्री का दिन है और बहुत सारी सुहागने औरत इस व्रत को करती हैं। बहुत अच्छी बात है, भगवान करे कि उनके साथ सब कुछ अच्छा हो, वो अपने पति के साथ काफ़ी खुश रहें। और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उनको बहुत सारा प्यार, उनको मैं दुआ ज़रूर देती हूँ कि आप जो भी कार्य कर रहे हो, आपका कार्य ज़रूर सफल हो, आपकी डिलीवरी अच्छे से हो जाए, आपको एक हेल्दी बेबी ज़रूर हो और जिस भी काम में आप लगे हों, आपका काम ज़रूर सफल हो। तो मैंने बताया था आपको कि मैं अपनी दोनों प्रेगनेंसीज़ का अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहली प्रेगनेंसी में मुझे बेबी बॉय हुआ था और दूसरी प्रेगनेंसी में मुझे ट्विन प्रेगनेंसी हुई थी जिसमें बॉय और गर्ल दोनों हुए थे। तो मेरे क्या जेंडर प्रेडिक्शन से लेके क्या मिथ्स हैं, क्या सच्चाई है, या बहुत सारे जो ओल्ड वाइफ टेल्स होते हैं वो मेरे ऊपर क्या सही बैठे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस सीरीज़ पे मैं 4 वीडियो ऑलरेडी बनाई है, ये मेरी 5वीं वीडियो है और आपको ये अच्छी लग रही है, इसका मुझे बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि आप इस सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो जैसे मैंने बताया था कि मेरी पहली प्रेगनेंसी हुई थी तो बेबी बॉय हुआ था। तो उस केस में आज बात करेंगे कि जो ओल्ड वाइफ टेल है उसमें बताया जाता है कि आपके स्लीपिंग पैटर्न से भी ये गेस किया जाता है कि आपका जो गर्भ में जो पल रहा जो शिशु है उसका जेंडर क्या हो सकता है। देखिए 100% नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि कोई गारंटी के साथ कह रहा है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है। अब देखिए, लोगों का ये मानना है कि अगर कोई गर्भवती महिला अपने लेफ़्ट साइड में सोना ज़्यादा पसंद करती है या फिर ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है, उस समय ऐसा चांसेस माना जाता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उसको होने वाला बच्चा एक बेबी बॉय है। जो महिलाएं राइट साइड में सोना ज़्यादा पसंद करती हैं अपनी गर्भावस्था के दौरान, उनको लड़की होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जाता है। अब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात की जाए तो जब मेरा बेबी बॉय था, जब मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी अपनी कंसीव की, उस वक्त नॉर्मली मुझे लेफ़्ट साइड में सोना काफ़ी पसंद आता था। तो ये बातें तो 100% मेरे साथ तो सच हुई, क्योंकि लेफ़्ट साइड में जो मैंने कंफर्टेबल थोड़ा सा फील किया, ऐसा माना गया, तो मेरे साथ ये सही बैठा। अब रही बात मेरी ट्विन प्रेगनेंसी की, तो ट्विन प्रेगनेंसी में मुझे सेकंड प्रेगनेंसी में अपने दिमाग में था कि मैं किस तरफ सो रही हूँ, मैं थोड़ा नोटिस भी करती थी क्योंकि मुझे जेंडर को लेके काफ़ी क्यूरियोसिटी थी पहले से, ऐसी बात नहीं है, हर इंसान को होता है, आप लोग समझ सकते हैं, इसीलिए तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो बस क्यूरियोसिटी के लिए मैंने थोड़ा सा नोटिस करना शुरू कर दिया कि क्या मैं राइट साइड में सो रही हूँ या लेफ़्ट साइड में सो रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगा, कुछ दिनों के बाद नोटिस करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे राइट में ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। फिर कुछ दिन के बाद लगा कि नहीं, मुझे लेफ़्ट में ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। बस ऐसे सोचते 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 कब 9 महीने बीत गए, नहीं पता चला। इनफैक्ट 9 महीने क्या, मेरे बच्चे 9 महीने से काफ़ी पहले हो गए थे। तो बस डिलीवरी का टाइम आ गया और फाइनली मुझे पता चला कि मेरा बॉय और गर्ल दोनों हुआ है। तो अब तब लगा कि नहीं, ये भी बात मेरे साथ कहीं ना कहीं सच निकली, क्योंकि मुझे दोनों ही जेंडर थे मेरे गर्भ के अंदर, इसलिए मे भी कंफर्टेबिलिटी दोनों तरफ से थी कह सकते हैं। लेकिन प्रिसाइजली अगर बात की जाए मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी की, तो डेफिनेटली फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी मेरी बात ये सच निकली, तो ये मेरे लिए 100% था। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ अभी क्या चल रहा है, आप लेफ़्ट साइड पसंद कर रहे हैं या राइट साइड पसंद कर रहे हैं, और जो भी पसंद कर रहे हैं, बस आपकी डिलीवरी अच्छे से हो जाए, आप एक हेल्दी बच्चे की माँ बने, आप और आपका बच्चा, आपका परिवार सुरक्षित रहे, हैप्पी रहे, खुश रहे, यही कामना करती हूँ अपने व्यूवर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए। थैंक यू सो मच चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए। अगर चैनल पसंद आ रहा है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।